as we have talked that colloidal solutions are heterogeneous mixtures, so colloidal solutions have two phases. एक होती है बेटा dispersed phase और दूसरी होती है dispersion medium. ठीक है, dispersed phase क्या है, ये solute like component होता है. जैसे solution में solute और solvent दो चीज़ें होती हैं, तो ये solute like component है which has been dispersed, जो डिस्पर्स हो गया या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट इन अ सॉल्वेंट लाइक मीडियम. एक ऐसे मीडियम में जो सॉल्वेंट की तरह होता है, इस कॉल्ड द डिस्पर्स फेज, और इसको हम डिसकॉन्टिन्यूस फेज भी कह सकते हैं. डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ये सॉल्वेंट लाइक मीडियम है जिसमें डिस्पर्स फेज ने अपने आप को डिस्पर्स कर लिया है या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, और इसको हम कॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं. तो देयर आर टू फेजेज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि ये हिट्रोजिनस मिक्सचर्स हैं, तो वी हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशंस, कौन कौन से होंगे, एरोसोल्स हो सकते हैं, सोल्स हो सकते हैं, इमल्शन और जेल. अब ये क्या होते हैं, उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम किस किस स्टेट में होते हैं, इस बेस पर इनका डिफरेंस होता है. देखो बेटा, जो हमारे पास सबसे पहले हैं एरोसोल्स, एरोसोल्स के केस में सॉलिड या लिक्विड होगा, यानी कि सोल्यूट जिसको तुम डिस्पर्स फेज कहोगे, वो डिस्पर्स फेज क्या होगी, सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है. ठीक है, मिक्स्ड विद गैस, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस है. गैस एक्ट्स एज अ डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें हमने डिस्पर्स किया है सॉलिड या लिक्विड को, तो हमारे पास जो ऑब्टेन होगा दैट टाइप ऑफ कोलॉइड विल बी एरोसोल. जैसे फोग है, फोग एग्जाम्पल है, स्मोक हो सकता है, डस्ट स्ट्रॉम हो सकता है, ऑटोमोबाइल से निकला हुआ एग्जॉस्ट हो सकता है, ये सब किस में आ जाते हैं बेटा, एरोसोल्स में आ जाते हैं. उसके बाद है हमारे पास सोल्स. सोल्स के केस में क्या होता है, सॉलिड डिस्पर्स फेज होगी और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होगा. ठीक है, सॉलिड इज द डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड विल बी द डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट होता है और जो लेस क्वांटिटी है उसमें डिस्पर्स फेज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. यानी कि लिक्विड में जब हमने सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया, तब जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना दैट इज़ सोल्स. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेंट, या इसके अलावा स्टार्च सॉल्यूशन हो सकता है, अगर हमने वाटर लिया और उसमें स्टार्च को डिसॉल्व कर दिया. मडी वाटर हो सकता है, जो कीचड़ होता है वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन में आ जाएगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया. वाइट ऑफ एन एग, एग का जो वाइट पार्ट है वो भी क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, सोल टाइप का. नेक्स्ट आते हैं इमल्शंस. हमारे पास इमल्शन क्या है, व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज आल्सो लिक्विड, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है लेकिन जो टू फेज अपीयर हो रही हैं फिर भी, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर इमल्शंस. फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर हमने ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दिया, या इसमें मिल्क भी आता है, मिल्क भी इमल्शन में आता है. और क्या आता है, फेस क्रीम, फेस क्रीम जो हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ आल्सो एन इमल्शन. फिर आता है बेटा जेल. जेल क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, सॉलिड. जैसे तुमने फ्रूट जेली खाई होंगी, खाई है ना, आजकल तो कैंडीज़ भी आती हैं जेल की. ठीक है, तो जेली जो है, फ्रूट जेली, वो इसका एग्जाम्पल है. हमारे पास चीज़ इसका एग्जाम्पल है, बटर इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, और कर्ड है, कर्ड भी इसी का एग्जाम्पल है, कर्ड इज़ ऑल्सो इट्स एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास, जेल फॉर्म ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन. तो ये चार तरह के कोलोइडल सॉल्यूशंस हमारे पास ऑब्टेन हो सकते हैं. इस पिक्चर में हम
कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के, फोम, जैसे हम फोम देख पा रहे हैं. फोम क्या होता है? गैस इन लिक्विड. ठीक है, यानी कि डिस्पर्स फेज होगा हमारे पास गैस और डिस्पर्शन मीडियम होगा लिक्विड, तो हमारे पास जो ऑब्टेन होगा दैट इज़ फोम. फोम में क्या होता है कि जो व्हिप्ड क्रीम देखिए जिससे हम केक को सजाते हैं ना, दैट व्हिप्ड क्रीम इज़ फोम. सोप है, सोप को जब पानी के साथ मिक्स करोगे, रब करोगे तो लेदर फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी क्या है? फोम है. शेविंग क्रीम जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो लेदर फॉर्मेशन हो जाता है दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोम. तो ये हमारा हुआ फोम. मिल्क है, मिल्क क्या है? इमल्शन है. अभी अभी हमने डिस्कस किया था मिल्क इज़ एन इमल्शन. फिर फोग है, स्मोक है, ये सब क्या हैं? कोलॉइड्स हैं. एरोजेल, एरोजेल होता है कि एक एगार, एक सब्सटेंस आता है पाउडर्ड फॉर्म में, उसको जब लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो सेमी सॉलिड अपीयरेंस फॉर्म करता है, जेली लाइक अपीयरेंस फॉर्म करता है, उसको हम एरोजेल कहते हैं. और ब्लड है, ब्लड भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, दूसरी आरबीसीज हैं, ये सब किस में सस्पेंडेड होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होता है. ये हमने टिश्यू वाले चैप्टर में डिस्कस भी किया था. फिर हमारे पास आते हैं पेंट्स. पेंट्स क्या हैं? सॉलिड इन लिक्विड सोल हैं, यानी कि डिस्पर्स फेज इसमें क्या होगी? सॉलिड होगी, सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, दीज आर पेंट्स और डिस्पर्शन मीडियम यहाँ लिक्विड होगा. तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स. बेटा ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है. यहाँ कुछ कॉमन एग्जांपल्स शो किए गए हैं कोलॉइड्स के. इसमें देखो एरोसोल्स के एग्जांपल हैं, फोम, इमल्शन, सोल, जेल, ये सब शो किया गया है. और ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं जो हमें डेली लाइफ से हम जिन्हें साइट कर सकते हैं. और डिस्पर्स फेज बताया गया है, डिस्पर्शन मीडियम. फॉर एग्जांपल जैसे फोग, क्लाउड्स और मिस्ट के लिए डिस्पर्स फेज होगा लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम होगा गैस, यानी कि जो सॉल्यूट होता है उस तरह का, जो लेस अमाउंट में जो कंपोनेंट होगा वो लिक्विड होगा और लार्जर अमाउंट में जो कंपोनेंट है दैट इज़ गैस. तो ये सब एग्जांपल्स तुम देख सकते हो.